हेलो, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं lallantop.com। भाजपा प्रधानमंत्री की पार्टी है तो उसका ट्विटर हैंडल चला रहे लोगों पर जिम्मेदारी होती है कि मोदी जी के काम का प्रचार करें और इसमें क्रिएटिविटी नजर आए। तो उन्होंने 31 जनवरी के रोज ये ट्वीट किया। इस ट्वीट में बाद 2008 में क्रिस्टोफर नोलन वाली बैटमैन सीरीज की फिल्म द डार्क नाइट के उस सीन की हो रही है जिसमें बैटमैन लव को हांगकांग से अमेरिका ले आता है। वो प्लेन वाला सीन बहुत बढ़िया था। इस वीडियो के बाद या इस वीडियो को पूरा देखने से पहले आप नए टैब में उस सीन को देख भी सकते हैं। एनीवेज, बैटमैन लव को इसलिए लेके आया था ताकि उस पर अमेरिका में मुकदमा चल सके। लव एक अपराधी था और बैटमैन इंसाफ का मसीहा। इस ट्वीट के मुताबिक दीपक तलवार और राजीव सक्सेना भी अपराध के आरोपी हैं जिन्हें देश लाने के लिए इंसाफ के मसीहा ने मेहनत की है। इंसाफ का मसीहा कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन ये लोग कौन हैं, इन्हें हिंदुस्तान लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और इन्हें हिंदुस्तान लाने पर मोदी जी की तुलना बैटमैन से क्यों हो रही है? इन्हीं सवालों के जवाब आप इस वीडियो में जानेंगे। अगुस्ता वेस्टलैंड घोटाला। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पदों पर बैठे वीवीआईपी लोगों के लिए 12 हेलीकॉप्टर आने थे, 3 आ पाए और घोटाले की खबर आ गई। अब विदेश से हेलीकॉप्टर नहीं आ रहे हैं, एक के बाद एक आरोपी आ रहे हैं। दिसंबर 2018 में क्रिश्चियन मिशेल को दुबई से भारत लाया गया प्रत्यर्पण करवा के, माने की एक्सट्रेडिशन, माने विदेश में गिरफ्तार किसी आरोपी को हिंदुस्तान लाना, यानी कि अपने देश लाना। इसी तरीके से इस घोटाले में दो और आरोपियों को हिंदुस्तान लाया गया है, नाम राजीव सक्सेना और दीपक तलवार। पहले बात करते हैं राजीव सक्सेना की। राजीव का पूरा नाम राजीव शमशेर बहादुर सक्सेना है। ट्रेनिंग से अकाउंटेंट है और पेशे से कारोबारी। दुबई के पाम जुमेरा में रहते हैं। इस संबंध में बना वही रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है जो आसमान से खजूर के पेड़ की तरह दिखता है। बुधवार माने 30 जनवरी 2019 की सुबह राजीव को दुबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राजीव के खिलाफ गैर जमानती वारंट निकला हुआ था। राजीव पर इस घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, इसीलिए वो प्रवर्तन निदेशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसे हम ईडीबी कहते हैं, इस एजेंसी के हवाले किए जा सकते हैं। राजीव सक्सेना की बीबी भी इस मामले में गिरफ्तार हो चुकी हैं। उन्हें 2017 में चेन्नई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। फिलहाल वो बेल पर बाहर है। ईडी का मानना है कि राजीव, उनकी पत्नी और दुबई की दो कंपनियां MSUHY सक्सेना और MS मैट्रिक्स होल्डिंग्स तक घोटाले का पैसा पहुंचा जिससे प्रॉपर्टी खरीदी गई। ईडी राजीव को मॉरिशस के उस इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज के मालिकों में से भी एक मानती है जिसे कंसल्टेंसी फीस के नाम पर इस घोटाले में हुए गबन का पैसा दिया गया है। अब बात करते हैं दीपक तलवार पर। दीपक तलवार के नाम के साथ कॉरपोरेट एविएशन लॉबिस्ट जुड़ा हुआ है। भुच देशी भाषा में कहें तो हवाई जहाज हेलीकॉप्टर की दुनिया का दलाल, एक ऐसा व्यक्ति जिसके सरकार और बाजार में संपर्क होते हैं, ये डील करवाते हैं और बदले में कमीशन लेते हैं। दीपक तलवार के पीछे ईडी और सीबीआई दोनों पड़े थे। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 90.72 करोड़ यानी कि 90 करोड़ और 72 लाख का गबन किया। ये पैसा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि CSR के तहत विदेश से हिंदुस्तान आया था। ये पैसा दीपक के एक NGO को मिला। देने वाला कौन था? यूरोप की एक मिसाइल कंपनी। इस पैसे से एम्बुलेंस और दीगर चीज़ें ली जानी थी लेकिन ये पैसा गायब हो गया। UPA सरकार के वक्त में हुए एविएशन से जुड़े और सौदों में भी दीपक की भूमिका पर जांच चल रही है। वैसे जो दीपक तलवार नाम की पर्सनैलिटी है, ये जो दिल्ली का वो सर्कल है जहाँ पर डील्स और सौदों की बातें होती रहती हैं, इनर सर्कल जो लुटियंस का है उसमें इनका काफ़ी दखल है और इन पे हम एक अलग से वीडियो भी बनाने वाले हैं। चलते चलते आपको ये भी याद दिला देते हैं कि अगुस्ता वेस्टलैंड घोटाला या वीवीआईपी चॉपर स्कैम था क्या। अगुस्ता वेस्टलैंड या वीवीआईपी चॉपर स्कैम का इस्तेमाल भाजपा रफाइल के जवाब के तौर पर करती रही है। वैसे इस कंपनी को अगुस्ता वेस्टलैंड भी कह दिया जाता है, उच्चारण का मामला है, लोग अपने अपने हिसाब से नाम लेते हैं। इसी कंपनी से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स खरीदने के सौदे में मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी वाली यूपीए सरकार ने अपने हाथ जला लिए थे। अब तड़का इस बात पर यह कि अगुस्ता वेस्टलैंड की मालिक फिन मैकेनिका नाम की एक कंपनी है जो इटली में बेस्ड है, और इटली तो यू नो व्हाट आई मीन। हेलीकॉप्टर खरीदने का मन बनाया था बतौर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने, लेकिन सौदा तय हुआ था 2010 में जबकि मनमोहन सिंह हो गए थे हमारे वजीर आजम। इस सौदे की कुल कीमत थी तकरीबन 3600 करोड़ रुपए। ये हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स को मिलने वाले थे और इनमें चलते राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दीगर वीवीआईपी लोग। सब ठीक ठाक चल रहा था। भारत ने 1620 करोड़ रुपए चुका दिए थे और 3 हेलीकॉप्टर उड़कर हिंदुस्तान भी आ गए थे।
फिर 24 फरवरी 2012 का दिन आया, इस दिन इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर छापी। खबर ये कि इटली में फिन मैकेनिका के खिलाफ हुई एक जांच में ये सामने आया था कि अगुस्ता वेस्टलैंड ने भारत के साथ जो सौदा हुआ था चॉपर्स का, उसमें तकरीबन 423 करोड़ रुपए की घूस दी। ये घूस फिन मैकेनिका के मालिक गिसिप ओर्सी ने गीडो राल्फ हैश के नाम के एक दलाल के जरिए एयरफोर्स के चीफ रहे एसपी त्यागी को दी थी। त्यागी को ये रकम उनके चचेरे भाई के जरिए मिली थी। अब ये जो लूप है, ये घूस का एक रूप था जिसका मालूम चला। ज़्यादातर पैसा शेल कंपनीज के जरिए दिया गया, माने ऐसी कंपनियां जो सिर्फ कागज़ पर होती हैं, और यहीं पर दीपक तलवार और राजीव सक्सेना का नाम आता है। हिंदुस्तान के लिए घोटाले में हुई कथित दलाली में, कथित इसलिए क्योंकि अभी कोर्ट में केस चल रहा है, सब कुछ प्रूव होना बाकी है। इसमें सबसे बड़ा नाम था क्रिश्चियन मिशेल का। इसने सीबीआई को प्रस्ताव दिया था कि उसे अगर सजा न दी जाए तो वो सब सच बोल देगा। पिछले दिनों हुआ ये था कि मिशेल की जो बहन है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि क्रिश्चियन पर सीबीआई ने यह दबाव डाला कि एक बार सोनिया गांधी का नाम ले दे। हेलीकॉप्टर अगुस्ता इसलिए बेच पाया था कि शर्त में उड़ान की ऊंचाई, यानी कि हेलीकॉप्टर किस हाइट पर उड़ सके, उसकी कंडीशन 6000 मीटर से घटाकर 4500 मीटर कर दी गई थी। कांग्रेस कहती है कि वाजपेयी के ज़माने में शर्त बदल दी गई थी। भाजपा कहती है कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, यानी कि यूपीए गवर्नमेंट आई, तब हाइट बदली गई। तो एक बहस है, लेकिन जो बात पक्की है वो ये कि इटली में चले मुकदमे में ओर्सी को इंटरनेशनल क्राइम का दोषी नहीं पाया गया है, लेकिन अनियमितता के मामले में उन्हें सजा हुई है। भारत में मामला फिलहाल चल रहा है। हाल ही में सीबीआई ने एक और चार्जशीट दाखिल की है जिसमें वायुसेना प्रमुख रहे त्यागी का नाम था। भारत ने जो 3 हेलीकॉप्टर्स अब तक ला लिए थे, वो पालम में तिरपाल में ढक कर रखे हैं, और अगुस्ता वेस्टलैंड को दिए पैसे बैंक गारंटी सहित वापस ले लिए गए हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो अच्छा, बुरा लगा तो बुरा। कोई सजेशंस है तो वो भी बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को YouTube पर देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप FB पे हमारे ऑफिशियल जो पेज है उसके ऊपर वीडियोस देखना पसंद करते हैं और चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, तो आप हमारा पेज लाइक कर सकते हैं। एक नया अपडेट ये भी है कि अब हमारा सारा प्रीमियम कंटेंट पहले हमारे ऐप पर जाता है जिसका नाम है द लल्लनटॉप। ऐप स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इस्तेमाल कीजिए, और अगर आपको इसमें भी सुधार की गुंजाइश लगती है तो हमें लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।